हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ माई सेल्फ पुनीत गौरी रिप्रेजेंटिंग शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप एंड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग बी टेकिंग द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स इर सो चैप्टर नंबर सिक्स में ट्राइंगल्स में वॉट वी हैव स्टार्टेड इज़ अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी में डिफरेंस पढ़ा था हमने कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी में वॉट इज द डिफरेंस वी हैव स्टेड बेसिक डिफरेंस जो हम समझ पा रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पे एंगल्स सब जो जो फिगर्स हमें हम मिलेंगी पॉलिकन्स मिलेंगे उनमें एंगल्स तो सेम होते हैं बट कांग्रेंसी uh, में एंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल बट इन केस ऑफ सिमिलैरिटी वॉट यू हैव स्टडीड इज एंगल्स तो सेम है है ना? एंड द साइड्स आर प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल मीन्स दे आर इन द सेम रेशो प्रोपोर्शनल ये प्रोपोर्शन शायद आपने पहले बहुत बार पढ़ा है तो प्रोपोर्शनल मतलब इन द सेम रेशो जब दो रेशो आपस में इक्वल हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोपोर्शन करेक्ट तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आया है साइड प्रपोर्शनल का इसलिए तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इक्विलेटल ट्राइंगल से समझ पा रहे हैं हम मान लो इक्विलेटल ट्राइंगल हमारे पास दो तो एंगल्स तो सबके सिक्सटी सिक्सटी होंगे ऑबियस बात है सिक्सटी सिक्सटी होंगे इक्वेटल ट्रैंगल चाहे छोटा सा बनाऊँ चाहे बहुत बड़ा बनाऊँ एंगल्स में डिफरेंस नहीं आएगा 60 डिग्री रहेगा बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन दिस केस आल्सो इन दिस स्ल्स आल्सो तो साइड्स जब इक्वल होंगी तो ऑब्बियस बात है उनके अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगता है और ये सब एंगल्स बराबर हो जाते हैं तीनों तो वन एट्टी सम होता है तो तीनों सिक्सटी 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 बांट लेते हैं आप उसमें क्लियर तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक लाइव एग्जाम्पल अगर देखना चाहें अपन तो जो अपना आगरा में ताजमहल है और जो यहाँ पे बना हुआ है ताजमहल सेवन वंडर्स में उन दोनों फिगर्स में साइज़ में बहुत डिफरेंस है बट स्टिल वी कैन वी कैन आइडेंटिफाई द फिगर के ये जो फिगर यहाँ उन्होंने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दैट इज़ ताजमहल बिकॉज साइड्स प्रोपोर्शनल है ये ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ये इस कारण से हम उसको समझ पा रहे हैं कि वो ताजमहल अगर साइड्स ऊपर नीचे कर दी जाए एक मीनार ऊपर कर दें एक मीनार नीचे कर दें गुम्बर टेढ़ा कर दें या बड़ा छोटा कर दें तो क्या होगा हम पहचान नहीं पाएंगे उस फिगर को एग्जैक्टली exactly आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है ठीक है ये आप लोगों को मैंने समझाया था वीडियो में भी तो इस कॉन्स इस वाले पार्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें क्लियर ये तो बात हुई एक दूसरी बात हमने इसमें रिलेटेड एक इसमें थ्योरम पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड बी है ना थ्योरम पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी बोलते हैं जैसे हम बी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्रूफ के रिगार्डिंग इसका प्रूफ भी मैंने करवाया था लाइव में भी लिया था इसका प्रूफ तो आप लोगों को ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है है ना तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या कहती है बीपीटी पहले तो पता होना चाहिए बीपीटी ये कहती है सपोज एक ट्राइंगल है कैसा भी ले लो सपोज एक ट्राइंगल है ले लिया मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको समझाऊंगा कि क्या थी वो थ्योरम क्योंकि अप्लाई तो क्वेश्चन में थ्योरम करनी पड़ेगी ना मैं प्रूफ आएगा तो प्रूफ तो करना ही है आपको अगर प्रूफ करने को आती है थ्योरम तो क्लियर सो इन दिस ट्राइंगल इफ एक लाइन है हमारे पास तीन लाइन है वैसे तो किसी भी एक लाइन के पैरल अगर मैंने एक सपोज लाइन ड्रॉ करी ठीक है तो होगा क्या जहां ये कट करेगी इन दो लाइन दो लाइन को इनका जो रेशो होगा दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस ये डी और ई मान लेते हैं ये इक्वल होगा यानी हमने क्या बात करी थी इफ दिस लाइन इज पैरल टू दिस वन यानी ई अगर पैरल है बी सी के इफ देन वट विल हैपन जो ये दो साइड्स पे टकराएंगी तो जो रेशो होगा यानी ए डी अपॉन डी का वो इक्वल होगा एपॉान ई सी का करेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमें अगर पैरालल क्वेश्चन में गिवन है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं वहां पर ठीक है ना अच्छा यहां पे मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि ए डी अपॉन ए बी ए डी अपन ए बी भी लिख सकते हैं इसको ठीक है एग्जाम्पल लेके देख लो ना मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता तो मान लो ये टू है ये फोर है सपोज़ और ये थ्री और ये सिक्स है सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो देखो अगर मैं टू अपॉन फोर का रेशो ऐसे लिखता हूँ टू अपॉन फोर तो इधर का रेशो देखो थ्री अपॉन सिक्स आर दे इक्वल यस दे आर वन बाई टू वन वन बाई टू बोथ द रेशोज आर इक्वल चलो ऐसे जो मैंने अभी आपको ये वाली चीज़ लिखी ए डी अपॉन ए बी और एपॉन ए सी इसको भी चेक करते हैं अपन ठीक है कि ये भी ट्रू है कि नहीं है रेशो तो बराबर रेशो तो होना चाहिए ना इक्वल तो देखो ए डी अपॉन ए बी तो ए डी तो टू है और ए बी कितना आ रहा है यहां पे सिक्स है टोटल इधर चेक करते हैं ए ई अपॉन ए सी ए थ्री है और ये टोटल नाइन है ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है रेशोस पे कोई फर्क नहीं आने वाला अलग होंगे रेशो लेकिन इक्वल होंगे हमें तो इक्वल से मतलब है यहां पे सिर्फ थ्री वन जो थ्री थ्री जो सी वन बाई थ्री वन बाई थ्री आया क्लियर तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है इससे बीपीटी थ्योरम कहते हैं हमें कि अगर कोई लाइन पैरल ड्रा करी गई है किसी भी ट्राइंगल किसी भी साइड के तो दैट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशो ठीक ये हमारी बीपीटी है अच्छा इसके बाद हमने कन्वर्स बीपीटी अब कन्वर्स बीपीटी क्या होगी चलो इसी से ही बना लेते हैं अपन बीपीटी कन्वर्ट्स कन्वर्स बीपीटी क्या होनी चाहिए देखो कन्वर्स का मतलब उसका रिवर्स हो गया तो जो उसमें गिवन था वो इसमें टू प्रूव हो जाएगा और जिसमें टू प्रूफ था वो उसमें गिवन हो जाएगा सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी अगेन आई हैव टेकन और ये कहा गया कि अगर कोई एक लाइन दो साइड्स को किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करती है यानी इसमें जो गिवन पार्ट होगा इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी सपोज देन वॉट विल हैपन क्या होगा खुद सोच के देखो कि अगर ये रेशो होगा तो क्या होगा ये लाइन कैसी होगी पैरेलल होगी पैरेलल है तो रेशो बराबर है वो बीपीटी कहती है और रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी हमेशा ये कौन कहता है कन्वर्स बीपीटी तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू सी कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में अगर हमें रेशो कहते हो कि इक्वल है तो हम मूव करेंगे पैरेलल की तरफ ताकि कन्वर्स बी पी लगा सके हम उसमें ठीक है ना समझ में आई ये बात तो ये कन्वर्स बीपीटी थ्योरम हम थी हमारे पास नाउ टेक वन पार्ट ऑफ 6.2 पॉइंट टू जिसमें फाइंड करने वाला पार्ट है वो ओपन कर लेते हैं विल टेक क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड पार्ट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ताकि आपको बी समझ में आ जाए किस तरह से लगती है ठीक है तो एक्सरसाइज 6.2 में 6.1 तो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं वो तो कर लिया आप लोगों ने 6.2 में क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट क्या कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है हमें देखो कैसा भी ट्राइंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ऐसा नहीं कि इक्यूलेटर ले या एसोसलेस है या कैसा भी ट्राइंगल बना दो आप ये थ्योरम सब पे अप्लाई होगी वीपीटी और कन्वर्स वीपीटी ठीक है अच्छा इसके लाइन एक पैरल बना दी मैंने लाइक like दस ये तिरछी जैसे बुक में तिरछी है थोड़ी सी अगर ये तिरछी बनाऊँ तो ये भी तिरछी बना दो पैरल होनी चाहिए इन दोनों का कॉन्सेप्ट पैरल का है सिर्फ ये पैरल इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि डी इज पैरल टू बी सी दिस इज सेवन पॉइंट टू दिस इज वन पॉइंट एट एंड दिस इज फाइव पॉइंट फोर क्लियर नाउ वी हैव टू फाइंड ए डी ए डी फाइन करना है अब मैंने अभी अभी एक बात समझाई थी अगर लाइन पैरल है पैरल है गिवन इसको ट्रिक की तरह याद कर लो चाहो तो बीपीटी लगेगी और अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स बीपीटी लगेगी, ठीक है ना तो यहाँ पे पैरेलल गिवन है इस कंडीशन में तो जैसे ही पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थोड़ी क्या कहती है अगर एक लाइन पैरल किसी साइड के तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी रीजन इज बीपीटी बीपीटी क्यों लग रही है क्योंकि लाइन क्वेश्चन में हमको पैरेलल गिवन है क्लियर सॉल्व कर लेते हैं डी की वैल्यू डालते हैं डी पता नहीं है मैं तो ए डी को ए डी लिख देता हूँ डी बी सेवन पॉइंट टू इज इक्वल टू वन पॉइंट एट अपॉन फाइव पॉइंट फोर सेवन पॉइंट टू को इधर ले जाता हूँ तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन पॉइंट एट इंटू सेवन पॉइंट टू अपॉन फाइव पॉइंट फोर इसमें थ्री बार कट गया सीधे सीधे अब थ्री में ये टू पॉइंट फोर तो विल गेट ए डी लेंथ ऑफ ए डी इज टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही लग रहा है पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है जहां हमको गिवन है पैरल वहां बीपीटी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे और पैरल अगर प्रूफ करनी किसी क्वेश्चन में हमको तो हम कन्वर्स बीपीटी का सहारा लेंगे उस वैसे दो ही थ्योरम है जो इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करेगी करिए ठीक है नाव एक्सरसाइज सिक्स में से भी अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिक्स डील कर रही है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पर सिक्स पॉइंट थ्री किस में डील है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जैसे वहाँ कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया थे ना हमने पढ़े थे एस ए एस ए एस आर एच एस एंड सो ऑन यहाँ पे तीन क्राइटेरिया हमारे पास से मिलाइटी का एक तो एस 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 सेकेंड इज एस ए एस एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल ए और वी कैन से डबल ए वन एंड द सेम थिंग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्या कहती है हमसे ये कहती है अगर किसी भी ट्राइंग दो ट्राइंगल्स में आपस में तीन तो साइड प्रोपोर्शनल है यानी तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में अगर इक्वल है तो दे आर सेट टू तो बी सिमिलर ट्राइंगल SSS से सिमिलर हो जाएंगे वो जैसे कॉन्ग्रेंट होते थे ना तीन साइड बराबर होती थी या तीन साइड प्रोपोर्शनल की बात चल रही है या हम इक्वल की बात नहीं करेंगे इक्वल होती तो कॉन्ग्रेंसी में चले जाएंगे हम ठीक है एस 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 में क्या होगा जब दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे आपस में एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ये जो ए बीच में लिखा ये included angle है ये इंक्लूडेड एंगल है इंक्लूडेड जैसे उसमें होता था ना सेम ऐसे ऐसे एस लगती थी वो उसमें होता था दो साइड बराबर होती थी और बीच का एंगल होता था फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस सी जैसे दो ट्राइंगल है ये साइड इसके और ये साइड इसके और इनके बीच का एंगल ये ये दो साइड जो कवर कर रही है उनके बीच का सेंट ये अगर मान लो ये और ये होती तो ये हो जाता है इनके बीच का एंगल क्लियर तो इंक्लूडेड एंगल लेना होता है बस यहां पे ध्यान रखना है एक्सक्लूडेड एंगल वाले पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा ये वाला कि सिमिलैरिटी अप्लाई नहीं होती वहां पर ठीक है एंड द थर्ड वन इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोशिश पहले इसी करा करो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं किसी भी दो ट्राएंगल में आपस में तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राएंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं सपोज मैं तुमसे कहूँ ये ट्रा है ये फिफ्टी है ये फिफ्टी है ये सेवेंटी है ये सेवेंटी है सपोज़ तो ऑटोमेटिकली मेरे को तीसरा एंगल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनका बिकॉज द थर्ड एंगल ऑटोमैटिकली इक्वल रीजन क्या है एंगल्स एम प्रॉपर्टी लेगी ना इस का angle 80, इसका एंगल का एंगल्स एट्टी इसका ही वन एट्टी है तो ऑफिस बात है दो एंगल तो सेम ही हो गए दोनों के तो तीसरा प्रूफ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसलिए यहाँ पे डबल ए बोल दिया जाता है इसको डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन सो दैट वी नीड नॉट टू प्रूव द थर्ड एंगल एज इक्वल बिकॉज बाई एंगल प्रॉपर्टी इट इज इम्प्लाइटली इक्वल गॉट एट सो ये तीन क्राइटेरिया बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री है ठीक है बहुत इजी सी एक्सरसाइज है वो ये यही सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग रहा है सब क्वेश्चन में ऑलमोस्ट तो एक क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है टेक क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे अपन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री से इज ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी चलो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं ट्रेपेजियम सबको पता है क्या होता है एक ऐसी फिगर होती है जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है बस और दोनों पैरेलल हो जाए तो पैरलोग्राम बन जाता है बट है हो तो ए बी सी डी ले लेते हैं यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है हमारे पास करेक्ट ए बी पैरेलल टू डी सी दिस लाइन इज पैरेलल गिवन क्लियर ठीक दोनों के डायगनल इंटरसेट कर रहे हैं अब डायगनल बनाता हूं ये दो डायगनल हैं एक ये वाला और एक ये वाला इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अब लिख दिया उसने से ऐसे ही क्वेश्चन सेम 6.2 में था वहां हमने बीपीटी यूज करके किया है इसको जिसमें पैरल बनाई थी मैंने वीडियो देखना आपको नजर आ जाएगा उसमें यहां पर उसने बोल दिया सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करो इस क्वेश्चन में मैंशन है वहां पर जब मेंशन कर देगा तो हमें फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा देखो बिल्कुल क्लियर कट बात है उसने अगर कोई मेंशन कर दिया सिमिलरिटी का यूज करो आप इसको बीपीटी से कराओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे फिर ठीक है तो गिवन इज व्हाट गिवन इज एबीसीम ए बी पैरल टू डी सी ये भी गिवन है हमें डायगनल गिवन ही है कोई दिक्कत है नहीं वॉट यू वॉन्ट टू प्रूव यर प्रूव ये करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे सिमिलइटिक राइटिंग यूज करना है तो ओ एसी तो ओ OC ओ बी अब ये लाइन अगर पैरेलल है ना देखो तो हम ये अपोले ट्राइंगल दोनों ले सकते हैं देखो ये दोनों ले तो मेरे को एंगल मिलेगा नहीं सिर्फ वर्टिकली को छोड़ ले के लेके भी देख लो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मन में कहीं भी डाउट होता है कि सर इधर वाले क्यों नहीं लिए तो इधर वाले लेके देखो चलो इन दो एंगल के अलावा कुछ भी बराबर नहीं है इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल तो मिनिमम चाहिए ना हमको ए सिमिलरिटी लगाने के लिए भी कम से कम दो एंगल तो चाहिए रहेंगे तो या तो एक ही एंगल बराबर आ रहा है इन दोनों में क्योंकि ये लाइन नॉन पैरल साइड्स हैं बट दीज लाइन्स आर पैरल सी और ये दो लाइन जब पैरल होती है तो बात है जेड फॉर्मेशन बनता है देखना ये ट्रांसफर्सली तरह काम कर रही है लाइक दिस समझे इस बात को ये बहुत बार डील कर चुके हैं आप इस बातों से Z जब फॉर्मेशन बनता है लाइक like दिस ये Z तो Z में जहां टर्न मारता है ना यहां से टर्न मारा तो ये एंगल और इधर आके वापस टर्न मारा तो ये एंगल दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है पैरल लाइन्स में तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर भी हो गया और देखो ये वर्टिकली वैसे ही बराबर है तीनों ही एंगल वैसे तो आ रहे हैं हमारे पास लेकिन हमको डबल ही लेके काम हो जाएगा तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप कोई से भी दो एंगल ले लो यहाँ पे समझ में आई ये बात तो कोशिश यही करनी है क्योंकि ये दो ट्राएंगल लो ना तभी इनकी सिमिलैरिटी पकड़ाई में आएगी हमारे पास तो लिखने का तरीका क्या है इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल लिखना बहुत तरीके से है हमें वरना रेशो में सब गड़बड़ हो जाएगी कहानी ए ओ बी एक ट्राइंगल लिख लो पहले तो एंड ट्राइंगल अब यहां दूसरा जब लिखेंगे तो ए को कॉरस्पोंड करते हुए एंगल देखो कौन सा आ रहा है इस ट्राइंगल में इस वाले में ए को कॉरस्पोंड कर रहा है इधर से सी तो पहले सी लिखो ए के साथ पहले नंबर पर दूसरे पे ओ ओ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और तीसरे पे डी जो है बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है लाइक दिस वी हैव टू राइट ये नहीं कि ओ बी और डी ओ सी लिख दिया जो मर्जी जो नहीं लिख सकते हम ठीक है ना ये ये वाला जो पार्ट है ना कोरोस्पॉन्ड करता हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लियर तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है इसको एंगल वन और टू देते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AB DC, चाहो तो वर्टिकली ले लो चाहे थ्री फोर दे दो तो. कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला थ्री इज इक्वल टू फोर और चाहो आप तो तीनों एंगल लिखना चाहते हो तीनों लिखो कोई परेशानी नहीं है लेकिन दो से काम हो रहा है तो हम तीन में क्यों लिखेंगे जबरदस्ती ठीक है ना तो बाय ए एमिलैरिटी वॉट वी कैन से ए सिमिलरिटी हमें कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी अब जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए ना मेरे को फिगर में जाने की जरूरत नहीं है अगर मेरा ये वाला पार्ट करेक्ट है तो क्या करेंगे हम इसके पहले दो उठाएंगे ए ओ अपॉन सी ओ इधर के दो बी ओ अपॉन ओ डी देखो ये दो पे काम हो गया तीसरी भी वैसे तो ए बी और सी डी भी आ जाएगा लेकिन जरूरत नहीं है तो ये सी पी एस टी से Corresponding parts of similar triangles, we can say that this AOB got it. So, uh, I hope you understood this thing, and in the next link, we will be sending 6.4 or 6.5 part. So, thank you, thank you very much.